साथियों, हाथरस मामले का आपने सुना ही होगा, कितना बुरा वहां पे हाल हो रखा है, कितनी बुरी घटना है, कितनी दर्दनाक, कितनी भयानक मौत लोग मरे हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल की ओर से हम सभी मृतकों के परिवार को श्रद्धांजलि देते हैं, भगवान उनको शक्ति दे। सवाल उठता है कि हरि बोले बाबा जैसे लोगों को पनाह आखिर दे कौन रहा है, और जनता इतनी भोली है ऐसे दुष्ट बाबाओं पर विश्वास कर लेती है। ऐसे मामलों में यह होता है कि पूरी टीम, पूरे लोग, पूरे आसपास के लोग, बिल्कुल प्रशासन सब अंधे हो जाते हैं और इन लोगों को पनाह देते हैं। इसका एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अभी हमारे गांव में एक मंदिर में एक विशेष दिन विशेष आयोजन था, वहां पे 11 लोगों के मंगलसूत्र और चैन लूटी। कोई भी इस मामले में मंदिर की कमेटी का निष्पक्ष निर्णय नहीं लिया गया कि उन 11-12 लोगों की जिनकी चैन टूटी उनको थोड़ी हिम्मत मिले कि ये लोग हमारे साथ है। बाद में मैं खुद उस घटना में मौजूद था, मैं गांव के लोगों को एकत्रित करके थाने ले गया, दबाव के बाद एक महिला को अरेस्ट भी किया। दिखावे के लिए पुलिस ने मारपीट तो बहुत की और पुलिस प्रशासन ने उसको कुछ समय बाद यह कहकर छोड़ दिया कि यह अपना जुर्म कबूल करने को तैयार नहीं है, इसने चोरी नहीं की, इससे कुछ बरामद नहीं हुआ, बल्कि वो सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रही थी कि वो चोरी कर रही है। तो ये सब लोग पुलिस प्रशासन और राजनीति और आसपास के लोग सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तभी ऐसे घटना को अंजाम देते हैं। दोस्तों, मैं अब इसके बाद बताना चाहूंगा, जैसे उस महिला को पकड़ा तो पुलिस वालों का भी यही कहना था कि वहां पे बहुत गंदी स्थिति है। बाहर से तो वो पूरा का पूरा ऐसा इलाका दिखाई दे रहा था कि जैसे बिल्कुल किसी गरीब बस्ती में आ गए हैं, लेकिन फिर मैंने वहां पे पर्सनली जाके विजिट किया तो मैंने देखा वहां पे पिटबुल, रॉटविलर और ऐसे ऐसे डॉग्स जो कि बहुत ही भयानक और बहुत खतरनाक होते हैं, जो इसी चीज के लिए ट्रेन किए जाते हैं कि कोई आए तो उनके ऊपर वो भौंके और उनको खा भी सकते हैं वो। और वहां पे उनके कमरों में एसी वगैरह सभी चीजें थी, और वो मैं आपको लोकेशन तो इस वीडियो में नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि धर्म की आड़ में किस तरह से अपराधी लोग पनप जाते हैं। दूसरा उदाहरण, आए दिन आसाराम बाबू और राम रहीम सोशल मीडिया पर आज भी हाईलाइट रहते हैं। सोशल मीडिया पर वो आज भी अपने वीडियोस अपलोड करते हैं और उनके बेवकूफ भक्त उन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का खुद का ये फैसला था कि वो लोग अपराधी है। अभी ये उदाहरण मैं आपको देना चाह रहा था, लेकिन इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भोले बाबा नाम का ये जो अभी व्यक्ति है जो फर्जीवाड़े में पकड़ा गया है, इसकी वजह से बहुत मौतें हो गई है। और ये लोग किन लोगों को मतलब अपना तो ये लोग किन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन सब लोगों को जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, जिनकी शादियां नहीं हो रही है, जिनको धंधे में घाटा हो गया, जिनके परिवार में दुख बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों को ये सांत्वना देते हैं, दिलासा देते हैं कि आप हमारे दरबार में आओ, आप हमारे दरबार में आके इसका भोग लगाओ, आप हमारे दरबार में इस चीज का नंबर लगाओ, घी चढ़ाओ, फलान चढ़ाओ, भीख चढ़ाओ। तो 100 लोगों में से भी अगर 10 लोगों का इलाज हो जाता है तो वो 10 लोग बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं, और ये मोस्टली दलित लोगों को टारगेट करते हैं, एससी एसटी के लोगों को टारगेट करते हैं जो कि पहले से बहुत पिछड़े थे, और वो अपने पिछड़ेपन से निकलने के लिए ऐसे बाबाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन ये बाबा उनको पिछड़ेपन से भी काफी पीछे ले जाते हैं। तो दोस्तों, इस चीज का यही इलाज है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे फर्जी बाबाओं के खिलाफ जागरूकता फैलाई जाए, जितनी जागरूकता फैलेगी लोग उतने ही जागरूक होंगे और इन बाबाओं को बॉयकॉट कर देगी। मैं चाहूंगा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन आपके थ्रू मिल सकता है और हम चैनल पे निरंतर लगातार ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और जनता को हम ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सकते हैं। और अभी मानसून का सीजन चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, एक बंदा अगर 10 पेड़ लगाएगा तो भाई साहब बहुत अच्छा हमारे हिंदुस्तान बन सकता है। और 50 डिग्री का टेम्परेचर और रोड पर पानी भरने जैसी समस्या, सूखा पड़ना, बोरवेलों में किसान भाइयों का पानी खत्म हो जाना, इन सभी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए आपका शुक्र, धन्यवाद।